सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए हमें अधिक से अधिक रक्तदान और मदद करनी चाहिए। सोनीपत के गांव राधना में भारतीय सेना के लिए राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सोनीपत उपायुक्त विनय सिंह और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने शिरकत की। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। भारतीय सेना का एक दल सोनीपत के गांव राधना में रक्त लेने के लिए पहुंचा था, जहां पर सुबह से ही रक्त देने वालों की लाइन लगी हुई थी। इस रक्तदान में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता कि हम रक्तदान करके किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। अपने जीवन में सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर 10 महिलाओं सहित कम से कम 250 लोगों ने रक्तदान किया। मां भारती रक्त वाहिनी ने प्रदेश भर से आए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को उनके उत्कर्ष कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के अंत में मां भारती रक्त वाहिनी की टीम ने भारतीय जवानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि सैनिकों की बदौलत ही हम आज देश में चैन की नींद सोते हैं। हमारे सैनिक दिन रात सीमा की सुरक्षा करते हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। जैन ने कहा कि सीमा पर सैनिकों के लिए रक्त की कोई कमी ना हो, इसीलिए रक्त वाहिनी संस्था द्वारा इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन कर सैनिकों की मदद की। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक हमारे लिए गौरव हैं और देश का प्रत्येक नागरिक उन्हें सैल्यूट करता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान करने का आह्वान भी किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैनिक ही नहीं, अन्य जरूरतमंदों के लिए भी रक्तदान में बड़ा योगदान होना चाहिए, इसलिए हमें समय समय पर यह दान करना होगा ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। इस अवसर पर सेना की रक्त वाहिनी AFTC टीम से रविंद्र शर्मा ने भी उपस्थित लोगों से देश के सैनिकों के लिए अधिक से अधिक रक्तदान करने का आह्वान किया। मां भारती रक्त वाहिनी के सभी सदस्य बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि वो रक्तदान के क्षेत्र में और नेत्रदान के क्षेत्र में बहुत ही पावन पवित्र कार्य कर रहे हैं, बहुत ही लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में आने का अवसर जो है पहली बार मिला है, लेकिन जगह जगह जो है आम जन से ये सुनने को मिलता है कि जहां भी किसी लाचार को, किसी दुर्घटना में ग्रस्त मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है तो मां भारती रक्त वाहिनी के सदस्य चाहे दिन हो चाहे रात हो हर समय जो है हाजिर रहते हैं। और यही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। और समाज की सेवा, मानव की सेवा कहते हैं कि ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। हम मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं या किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, लेकिन उस भगवान की बनाई हुई कृतियों का तिरस्कार करें, उनको प्यार ना करें, उनकी मदद ना करें तो भगवान जो है प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो जो पूरी सृष्टि पर भगवान की बनाई हुई कृतियां हैं उनकी सेवा का संकल्प लेना चाहिए। और ऐसा ही दृढ़ संकल्प जो है मां भारती रक्त वाहिनी के सभी सदस्यों ने धारण किया हुआ है। और मैं समझता हूं कि इंसान को पृथ्वी पर भगवान ने भेजा है केवल इसलिए नहीं कि हम अपने परिवार के और समाज के और जो है व्यापार के कामों को पूरा करें। भगवान ने हमें पृथ्वी पर इसलिए भी भेजा है कि हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर मानव की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए जो है वक्त अवश्य निकालें। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।